इज एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5:30 एंड मैं उठ गई हूँ। मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम करना होता है मुझे। मजाक कर रही हूँ, मेरी आदत हो गई है इतनी जल्दी उठने की, क्योंकि मुझे अपनी डॉगी को भी घुमाने लेके जाना पड़ता है, फिर मैं वॉक भी कर लेती हूँ और बस। और आज का दिन मेरा बहुत हैक्टिक रहने वाला है क्योंकि आज बहुत सारा काम है। सुबह मैं जाती हूँ क्लास। गाइस, बैकग्राउंड म्यूज़िक अवॉइड करना। और सुबह सबसे पहले मैं जाती हूँ क्लास, अपनी कंप्यूटर क्लास। देन उसके बाद मुझे आज कॉलेज भी जाना है क्योंकि अब मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। और लाइब्रेरी में थोड़ा सा मुझे काम है, मतलब बुक्स और लेनी है, वो भी करना है। देन उसके बाद हमारा कुछ प्लान है फ्रेंड्स और का, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी वो क्या प्लान है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्किप मत करना। और अभी मैं चाहती हूँ वॉक के लिए और अपनी डॉगी को भी घुमाती हूँ। चेक दी मॉर्निंग व्यू गाइस, जस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले ही सनराइज़ हुआ है और आप अभी का व्यू चेक कर सकते हैं। एंड हमारा घर थोड़ा सा ऊपर है तो यहाँ से सब विजिबल होता है एंड बहुत सुंदर लगता है। और गाइस, वैसे मॉर्निंग में उठने के तो बेनिफिट बहुत सारे हैं। एक तो हमें फ्रेश एयर मिलती है, और अगर हम जल्दी उठते तो सब हमारा काम टाइम से हो जाता है, वैसा नहीं होता भाग दौड़ कि हमें ये भी करना है वो भी करना है। अगर हम लेट उठते तो हमें ऐसा होता है कि हाँ हम लेट हो रहे हैं और हमारा ये काम भी नहीं हुआ, वो भी छूट रहा है। तो मॉर्निंग में उठने का ये भी फ़ायदा है कि हम सब इजीली अपना काम और कर सकते हैं। तो गाइस, आप लोग भी जल्दी उठा करो, आपके लिए भी अच्छा है। सो गाइस, चलो चलते हैं वॉक ले। बेला भी रेडी है, इसको ऐसा हो रहा है कब लेके जाएगी मुझे। आओ चलो बेला, लेट्स गो। चलो चलो चलो। और अभी पूरी रोड खाली है, कोई भी नहीं है। एंड आपको मैंने व्यू ऑलरेडी पहले दिखा दिया था, कितना अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं, चलो बेला। गाइज, दिस इज़ द आउटफिट दैट आई विल वेयर। एंड उसके साथ स्क्रंचीज, वॉच तो नेसेसरी है, वॉच के बिना थोड़ा अधूरा सा लगता है। सो अब मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। बाय बाय। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। अब चलते हैं क्लास। मेरे साथ जाता है मेरा भाई, पर हम लोग की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है, वो कहीं और जाते हैं और मैं कहीं और जाती हूँ। और अब निकलते हैं और एक बार मैं आपको अपनी आउटफिट चेक करा देती हूँ। तो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो आ सकता है उत्तरांचल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ये लोकेटेड है बंगाली कोठी में एंड बहुत अच्छे से सर सब चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। गाइस, मेरी क्लास भी खत्म हो गई है और वैसे तो इसके बाद मेरी एक और क्लासेस होती है, मतलब कहीं और भी जाती हूँ कोचिंग के लिए, पर आज मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है और मेरी दोस्त भी आ गई है। तो अब चलते हैं हम कॉलेज और अब मैं डायरेक्टली आपको मिलती हूँ कॉलेज में। बाय बाय। चल। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं कॉलेज और हमने अपनी गाड़ी भी पार्किंग में लगा ली है। और लाइब्रेरी ओपन होने में भी थोड़ा टाइम है, तब तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा। तब तक हम दोनों जाते हैं, बैठते हैं और देखते क्या क्या करते हैं। थोड़ी गप्पे शप्पे कर लूँगी मैं आप लोग से। सो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ कॉलेज और मेरे कॉलेज का नाम है DVPG कॉलेज। एंड मेरे पास वैसे बहुत ऑप्शन थे कॉलेज के, पर मैंने ये कॉलेज इसलिए चूज़ करा क्योंकि मुझे रेगुलर बेसिस पे मतलब कॉलेज नहीं जाना था, क्योंकि मुझे कॉलेज के साथ साथ साइड बाई साइड कुछ और कोर्स भी करना था, इसलिए मैंने ये कॉलेज चूज़ करा। और अभी मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, मुझे फॉर्म भरना है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम रेगुलर बेसिस पे कॉलेज ज्वाइन कर रहे तो हम उसके साथ कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सारा टाइम देना पड़ता है कॉलेज में और हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता कि हम कुछ और सीखें, इसलिए भी मैंने ये कॉलेज ज्वाइन करा है। और अभी मैं कर रही हूँ कोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया है, और आगे की प्लानिंग तो मेरी बहुत कुछ है, वो आपको मेरे आगे आगे ब्लॉग में पता चलेगा कि क्या क्या है, इसलिए आप मेरी पूरी जर्नी में मेरे साथ रहना, देखते रहना। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा कॉलेज। अभी तो हम ग्राउंड में बैठे हैं तो एक बार मैं आपको ग्राउंड दिखा देती हूँ कैसा है हमारा, दिखा दे। सो गाइस, ये हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लाइब्रेरी है। सो गाइस, मेरे अपनी
गाड़ी पार्किंग में भी लगा ली है एंड टू व्हीलर का चार्ज यहाँ पे 20 रुपीज़ एंड फोर व्हीलर का है 40। फोर व्हीलर तो यहाँ पार्क हुई है एंड टू व्हीलर की नीचे जाके है पार्किंग। एंड अब चलते हैं अंदर और देखते हैं मूवी कैसी है। ये रहा सिल्वर सिटी सिनेमास एंड यहाँ पे सब तो बंद हो गया, बस अब सिर्फ यहाँ मूवी देखने आ सकते हैं और जो शॉप और है वो सब बंद हो गई है, खाली खाली है पूरा। लाइट्स को और देखते हैं कि मूवी कैसी है, मैं आपको रिव्यूज दूंगी बाद में। सो गाइस मैंने मूवी टिकट ऑनलाइन ही बुक करा ली, पहुंच चुके हैं हॉल में, अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसी है मूवी। वैसे रिव्यूज़ तो उसके बहुत अच्छे हैं कि बहुत अच्छी है मूवी, तो मैं भी जाती हूँ और देखती हूँ कैसी मूवी, रिव्यू मैं आपको दूंगी घर जाने के बाद। और मेरे साथ मूवी एंजॉय करना आप भी। बाय बाय। नो वन फोर्स्ड यू टू कम, दिस इज व्हाट इज इमर्जिंग, हो जाएगी गॉड्स ओन कंट्री। सो गाइस अब इंटरवल हो गया है और यहाँ तक की मूवी तो बहुत अच्छी लगी मुझे और अब देखते आगे की मूवी कैसी है, रिव्यू तो मैं आपको घर में बताऊँगी। और अब कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, देखते क्या क्या है, पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद फिर दोबारा जाएंगे मूवी देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। कम्युनिस्ट फादर, यू नो मेरे को ब्लैक चल देना, महसूस करो रोज बढ़ते हमीद के गुलाब, इसलिए मुफ्त में नोचते हैं। और इजिली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। सो गाइस आप लोग भी जाओ मूवी देखो और अपने रिव्यू शेयर करो कि आप लोग को कैसी लगी मूवी। सो गाइस मैं आज का व्लॉग अपने यहीं एंड करती हूँ, होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।